ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे। ऋषभ देव के पौत्र मारीचि भरत के पुत्र जो पुराण में वैदिक धर्म के प्रवर्तक माना गया है। ये जो मारीचि है इससे वैदिक धर्म चला था। अब ध्यान से देखना पुण्यात्मा, आप बहुत इंटेलिजेंट बालक हो, अब कंप्यूटर तक बना लिया आपने, तो ये तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। ऋषभ देव के पौत्र यानी पोते मारीचि जो भरत के पुत्र थे और जिसको मारीचि को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है, यही मारीचि जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर जैन यानी वर्धमान बना, महावीर जैन हुआ। यही आत्मा मारीचि वाली जो ऋषभ देव के पौत्र थे पोते। अब आगे देखते हैं जैन धर्म का, ये देखो 176 पृष्ठ पे जैन धर्म का विकास इतिहास। तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया, दो पत्नियों से विवाह कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, दो संतान हुई। और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया, यानी ऋषभ देव के 100 पुत्र दो बेटियां थी। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंप कर संसार त्याग दिया, और यानी मरे नहीं, अपना घर त्याग दिया। दीक्षा लेकर यानी किसी ऋषि से दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए गुरु बना के। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभ देव एक वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया एक वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव, फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की मुनि ऋषभ देव ने अंत में कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। कैवल्य चार मुक्तियां होती हैं, उसमें से कैवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना यानी प्रथम उपदेश किसको दिया, भरत के पुत्र मारीचि को दिया। यानी अपने पौत्र मारीचि को दिया, और यही मारीचि आगे चल के महावीर जैन बना, जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। प्रथम धर्म देशना ऋषभ देव ने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नाम देना शुरू किया, और प्रथम नाम उपदेश अपने पोते को दिया भरत के पुत्र मारीचि को, और यही मारीचि आगे चल के 24 में तीर्थकर महावीर बने, महावीर जैन जिसको कहते हैं। पुणात्मा, आपका सौभाग्य है कि सदग्रंथों का रहस्य आपके रूबरू हो रहा है। अभी तक न तो जैन धर्म के व्यक्ति अपनी पुस्तकों में क्या रहस्य लिखा उसको समझ पा रहे, न ही हिंदू धर्म के पुण्यात्मा अपने सदग्रंथों से परिचित, क्योंकि ये नकली गुरुओं को ज्ञान नहीं था, ये आज तक ये नहीं बता सके ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता कौन है, इनके इतिहास में लिखा, इनके सतीथि अजर अमर बताते हैं ये नाशवान है, तो ऐसे हमें भ्रमित कर रखा है। इन्होंने हमारे ऊपर कैर ढा रखा है नकली गुरुओं ने, हमारे जीवनों को नष्ट कर दिया। परमात्मा आते हैं उनके साथ ही बदव्यवहार करके उसके ज्ञान को दबा देते थे, लेकिन परमात्मा ने यह समय फिक्स कर दिया था कि कलयुग में सबको शिक्षित करूंगा, उसके बाद अपने बच्चों को अपनी पहचान बताऊंगा, ये आसानी से समझ जाएंगे। तो आज बालक से लेकर बूढ़े तक इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ रहा है। अब दिखाते हैं कि महावीर जैन की फिर के दुर्गति हुई। अब ये तो क्लियर हो गया कि मारीचि ने उपदेश लिया ऋषभ देव से,
जो प्रथम तीर्थंकर था, और वही आत्मा बीच में कितना कष्ट उठाया, आगे वो के बनी महावीर जैन वाला जीव। अब देखिए इन्हीं की पुस्तक में, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्न उत्तर माला, प्रवीण चंद्र जैन MA शास्त्री, ये इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन MA शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तनापुर, प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है धीनेन्द्र जैन, न्यू रस्सब ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ यहाँ से मिस प्रिंट सा है। अब इसके हम 293 से प्रारंभ करते हैं, 293। आओ जैन धर्म को जाने विशेष प्रकरण, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम हैं, वीर अतिवीर सन्मति महावीर MM वर्धमान। अब आगे चलें 294 पे और 3351 नंबर ये प्रश्न है, श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक भील था, उससे पहले क्या था वहाँ तक इसको इनको लेखा नहीं, यहाँ तक से शुरू किया ना, तो पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, पुष्कलावती देश की पुंडरी कीड़ी नगरी में वह भीलों का राजा था, उसने सागरसेन मुनिराज से मधुमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील के शरीर से कहाँ गया? पर्याय से, पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, अब उस पहले तो यहाँ से शुरू किया है ना, एक भील था यो, फिर भील के बाद यो एक स्वर्ग में गया, उसके बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये मारीची वही है रस्सब देव का पोता, और यही आगे चल के ये जीव महावीर जैन बना, पुत्र हुआ। मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब देखो, रस्सब देव से उपदेश लेकर, उस महान आत्मा से उपदेश लेकर ये स्वर्ग में चला गया, क्योंकि ओम नाम का जाप पहले दिया जाता था, और ओम से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म लोक को होते स्वर्ग लोक, महास्वर्ग ब्रह्म स्वर्ग को हो। ब्रह्म स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया, फिर सूतक नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ, फिर स्वर्ग में गया, फिर भरत क्षेत्र में फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं, 295 पर, मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक यही पुत्र, भारद्वाज भी यही ऋषि हुआ पुत्र, और फिर भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, उस महास्वर्ग में ब्रह्मलोक में। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? हाय हाय, अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए जीव अनेक योनियों को प्राप्त हुआ। कैसे? 1000 बार आक वृक्ष के जीवन भाव, और 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव यानी केले के वृक्ष बना, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव वैश्या, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर भाव, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे के भाव, ओ तेरा गजब, 30 करोड़ बार कुत्ते का जीवन, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव,
90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली के शरीर भाव भाव और 60 लाख बार गर्भपात से मरण है, माँ के पेट में मर गया, और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ओए होए, निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? ओए हाय, अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए जीव अनेक योनियों को प्राप्त हुआ। कैसे? 1000 बार आक वृक्ष के जीवन भाव और 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव यानी केले के वृक्ष बना, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव वैश्या, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर भाव, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे के भाव, ओ तेरा गजब, 30 करोड़ बार कुत्ते का जीवन, 60 करोड़ बार नपुसंग के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली के शरीर भाव भाव और 60 लाख बार गर्भपात से मरण है, माँ के पेट में मर गया, और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ओए होए, केवल 80 लाख बार तो देवता बनया, और गधा बनया, कुत्ता बनया, 30 करोड़ बार कुत्ता तो एक बार बनया हुआ बतेरा, ये सारे को पानी फिर जाए देवता ने, एक का जीवन बतेरा कुत्ते का, शर्म में कीड़े पड़ जा, खाज लाग जा, टांग टूट जा, सर्दी में पता नहीं कहाँ पड़ा रहे, और 60 करोड़ बार गधे का जीवन। उसके बाद फिर क्या हुआ? उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण का ब्राह्मण, फिर महेंद्र स्वर्ग में, फिर राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया, महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, त्रिपुष नामक नारायण हुआ, फिर सातवां नरक में गया, ये और कच्चा काम रह रहा था, ये स्पष्ट हो गया, फिर सातवें नरक में गया। ओए होए, अब ये 295 पे अपना पड़ा, अब 296 पे। फिर उसके बाद क्या हुआ? सिंह गिरी पर्वत पर सिंह हुआ और पुनः फिर प्रथम नरक में गया, फिर कहाँ गया? हिमवान पर्वत पर शिखर पर सिंह हुआ, वहाँ से इन्हें संबोधित किया, फिर सौदर स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ, यहाँ हुआ, अब फिर सातवें स्वर्ग में देव हुआ। अब यहाँ आते हैं हम, महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, महाशुक्र स्वर्ग से महावीर, महाशुक्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? दात की खंड की पूर्व विदेही की पुष्कलावती देश की पुंडारी किणी नगरी मैं राजा सुमित्री सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ, फिर सेंसर स्वर्ग में देह हुआ। आगे क्या हुआ? अब यहाँ आते हैं कि जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदी वर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ, नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, तनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। श्री इन्हीं का प्रश्न है, इन्हीं की पुस्तक है, दास तो पढ़ रहा है, श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं, ये काम टीचर का होता है, जो सदग्रंथों को स्वयं समझे, अपना अभ्यास करे, अनुभव करे, भक्ति करे, परमात्मा की अंदर से प्रेरणा होती है, फिर तत्व ज्ञान अंदर से परमात्मा देता है। अब इसका निष्कर्ष देखो कि ऋषभ देव जी ने गुरु दीक्षा ली किसी ऋषि से, उसके बाद साधना की, और ऋषभ देव जी से फिर 1000 वर्ष ऋषभ देव जी ने साधना की, उसके बाद जब वो अपनी साधना समाप्त की, तुरंत पहला शिष्य बनाया मारीची, और वही आगे चलकर महावीर जैन हुआ। तो ऐसे ओम नाम यानी वेदों अनुसार साधना करने वाले जीव की क्या दुर्गति हुई?